देखो यहाँ पर पांचवें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अब हम बात करते हैं। देखो पांचवें नंबर का जो प्रश्न है वो है हमारा, पहला समीकरण है रूट टू एक्स और देन है प्लस रूट तीन वाई बराबर में जीरो। दूसरा समीकरण हमारे पास रूट थ्री एक्स माइनस रूट आठ वाई, रूट आठ वाई बराबर में जीरो। ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके जो समझाए हैं पहले वही करते जाओ, कोई दूसरा काम नहीं करना है। लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या हमारे पास रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई बराबर में जीरो। अब समझो बात को, यदि हम सिर्फ और सिर्फ x बराबर लिखने के लिए जाएंगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ से इसको पहले शिफ्ट करेंगे दूसरे तरफ, तो आ जाओ कर लेते हैं। ये होगा रूट टू एक्स बराबर जीरो माइनस रूट थ्री वाई, ये हो जाएगा पहली बात। ये आ गया तुम्हारा जीरो माइनस रूट थ्री वाई। दूसरी बात है, अगर हम x बराबर लिखे तो ये रूट दो जो है x के गुना में है, दूसरे तरफ जाके भाग हो जाएगा, ये होगा माइनस रूट तीन वाई और बट्टे में हो जाएगा तुम्हारा रूट का दो। देखो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, देखो यहाँ पर तुमको कुछ करना नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, इसको क्या करेंगे, मान लेंगे समीकरण नंबर तीन। अब ये जो समीकरण तीन में x का मान हमने निकाला है, इसको समीकरण दो में पुट कर देना है। तो समीकरण दो में x का मान रखने पर आ जाओ, समीकरण दो है हमारे पास रूट थ्री एक्स माइनस रूट आठ वाई बराबर में जीरो। क्या रखना है यहाँ पर, देखो x के जगह पर क्या रखना है, ये रूट तीन तो है ही, x के जगह पर क्या रखना है माइनस रूट तीन वाई बट्टे रूट दो। तो यहाँ पर रख देते हैं माइनस रूट तीन वाई बट्टे रूट दो माइनस रूट आठ वाई बराबर में जीरो। अब देखो यहाँ से क्या चक्कर चलता है, देखो रूट तीन को रूट तीन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, माइनस पहले लगा हुआ है तो माइनस का तीन वाई बट्टे में रूट दो और माइनस आठ, रूट आठ बट्टे रूट आठ वाई और बराबर में जीरो, ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से, बातें समझ में आ रही। अब अगर यहाँ से करें रूट दो और एक का एलसीएम कितना हो जाएगा, रूट दो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूट दो से रूट दो में भाग देंगे तो एक होगा, एक को माइनस तीन वाई से गुना करेंगे तो माइनस तीन वाई माइनस हो जाएगा। एक से अगर रूट दो में भाग देंगे रूट दो होगा, और रूट दो को यदि रूट आठ से गुना करेंगे रूट सोलह कितना हो जाएगा, रूट सोलह, और रूट सोलह का मतलब कितना होता है चार, कितना होता है चार, तो ये हो जाएगा हमारा चार वाई, कितना चार वाई और बराबर में है यहाँ से जीरो। क्लियर है, आ जाओ आगे देखो यहाँ से, देखो माइनस चार और माइनस तीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का सात वाई और बट्टे में है रूट दो बराबर में जीरो। यहाँ से देखो माइनस सात वाई और रूट दो को यदि जीरो से गुना करते हैं तो जीरो हो जाएगा, और y बराबर करें तो जीरो बट्टे माइनस का सात बराबर जीरो। तो y का मान क्या निकला यहाँ पे, y का मान निकल गया जीरो। अब ये जो y का मान निकला है ना, इसको रख देंगे किस में, समीकरण तीन में। तो समीकरण तीन में y का मान रखने पर, समीकरण तीन क्या देखो जरा, समीकरण तीन है हमारे पास एक्स बराबर माइनस रूट तीन वाई और बट्टे में रूट दो। एक बात बता दो हमको, एक बात बता दो, क्या माइनस रूट तीन रखेंगे यहाँ पर और वाई का मान तो हमारा जीरो आया है और बट्टे में रूट दो होगा। देखो तो जीरो से रूट तीन को गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, और जीरो को रूट दो से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से एक्स बराबर भी जीरो निकल रहा है और वाई बराबर भी जीरो यहाँ से हमारा आ रहा है। चलो लास्ट प्रश्न है हमारा, छठा नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या छः, सात हो गया ये, छः देखो। समीकरण एक है हमारे पास तीन एक्स बट्टे दो माइनस में पाँच वाई बट्टे में तीन बराबर में माइनस दो, और दूसरा समीकरण है, ये तो समीकरण एक हो गया। दूसरा समीकरण है हमारे पास एक्स बट्टे तीन प्लस वाई बट्टे दो बराबर में तेरह बट्टे छः, समीकरण दो। देखो कुछ नहीं करना, इतना नहीं एक मुश्किल प्रश्न है, थोड़ा अलग हटके जरूर होता है, थोड़ा कैलकुलेशन जरूर लगता है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल प्रश्न नहीं होने वाला है।
तो लिखेंगे समीकरण एक से, सेम काम करना है हमको, थोड़ा सा पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे में 3 बराबर में है माइनस का 2। देखो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, ये होगा 6, 2 से अगर भाग देंगे 6 में 3 और 3 को 3 से गुणा करेंगे होगा 9x। इसी तरह से 3 से भाग देंगे 6 में 3 दूनी 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10y बराबर में माइनस 2। यह आ गया 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, आगे आ जाओ इधर बात करें। अब यहाँ से करना क्या, तो इस इक्वेशन निकला है 9x माइनस 10y बराबर 12, क्या निकला है फिर से लिख ले, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, ये समीकरण निकला है तुम्हारा, यही निकला है ना, बिल्कुल निकला है। करना क्या है, 10y को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये होगा 9x बराबर माइनस 12 प्लस 10y, क्लियर है। अब देखो 9 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुना का, इट मीन्स कि x बराबर लिखेंगे तो माइनस 12 प्लस 10y और बट्टे में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतनी बातें यहां से हमको समझ में आ गई, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, समीकरण दो में x का मान रखने पर, तो समीकरण दो देखेंगे यहां पर क्या है, x बट्टे 3 है प्लस y बट्टे 2 है बराबर 13 बट्टे 6, तीन दूनी कितना हो जाएगा 6, फिर तीन और दो का एलसीएम 6 हो जाएगा, ये बोल सकते हैं हम, तीन से अगर डिवाइड करें 6 में तो तीन दूना 6 होता है, ये हो जाएगा 2x, फिर दो से अगर डिवाइड करें 6 में दो तिया 6, ये होता है हमारा 3y और ये होगा 13 बट्टे 6। ठीक है, आ जाओ एक बात देखो यहाँ पर, कभी भी ऐसा है ना तो तुम कर सकते हो, अगर हर में 6 है, हर में 6 है, हर में 5 है, हर में 5 है दोनों तरफ समीकरण के, तो ये कैंसिल आउट कर देना, लास्ट में जाकर कैलकुलेशन करोगे तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, हम ये बता दिए कैंसिल आउट कर देना। जैसे मान लो x बट्टे 2 है और ये y बट्टे 2 है, तो यहाँ से 2 कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा y, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्वेशन निकला हमारा वो निकला 2x प्लस 3y बराबर 13, x का वैल्यू क्या निकाला है तुमने, x माइनस 12 प्लस 10y बट्टे 9, आ जाओ जी, तो ये तुमने निकाला है 2 इंटू माइनस 12 प्लस 10y और बट्टे में निकाला है 9, ये हो गया प्लस में 3y बराबर में 13, ये निकाला है तुमने। अब देखो ये 2 और 9 तो कटेगा नहीं, ये तो जाहिर सी बात है नहीं कटेगा, तो ये कितना होगा 12 दूना माइनस 24 प्लस 10 दूनी 20y बट्टे में 9 प्लस 3y बराबर में 13, आगे आ जाओ, ये होगा माइनस 24y माइनस 24 प्लस 20y प्लस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर से देखना, 9 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा, 9 से 9 में भाग दिए 1 हुआ, 1 को इस पूरे से गुना करना है। ठीक है, देन हमको क्या करना है, 1 और 1 में 9 से भाग, 9 1 में 1 से भाग देंगे 9 में तो 9 होगा, 9 को 3 से गुना करना है तो ये होगा 27y बराबर में 13। अब एक बात तो बता दो हमको क्या, ये देखो ये हो रहा है हमारे पास माइनस 24 प्लस 20 और 27 कितना होगा 47y हो जाएगा, कितना 47y और 13 नंबर कितना होगा 117। ठीक है, आ जाओ जी, यहाँ से देखो, अगर मान लो 24 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस में, दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो 47y बराबर होगा 117 और प्लस में 24, इधर देखो अब, तो ये आ रहा है हमारा 47y बराबर में क्या आ रहा है, 7 4 11 का 1 हासिल, 1 2 1 3 1 4 1, ये हो गया 141। अब अगर y बराबर यहाँ से लिखते हैं तो ये 141 बट्टे 47, इट मीन्स 47 3 जा कितना हो गया 141 होगा, यानी कि y बराबर कितना निकला यहाँ पर 3। अच्छा, ये जो y का मान तुमने निकाला है ना, इसको क्या करना है, समीकरण थर्ड में रख दो। देखो समीकरण थर्ड कहाँ पर है, ये वाला समीकरण है, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या हमारे पास, ये हमारे पास x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बट्टे में 9, मान रखना है तो रखो, माइनस 12 प्लस 10 और y का मान निकाला है तुमने 3 बट्टे में 9, अब इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बचाए हो जाए, 12 और 10 30, तो ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 12 प्लस
तीस बट्टे नौ, 12 में से 30 हटा देंगे तो 18 बचेगा, बट्टे में 9, 9 दूनी 18, तो ये यहाँ पर जो तुमको निकल रहा है ये कितना निकल रहा है 2। इट मीन्स कि यहाँ पर x बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा 2 और y बराबर जो निकला वो निकला तुम्हारा कितना कितना कितना, अभी देखो ना y बराबर निकाले हैं ना, कितना निकला है y बराबर 3, ये मान तुम्हारा निकल के आ गया। तो ये था प्रश्न पहला का छठा प्रश्न।